इस वक्त की बड़ी खबर, आज को ऑल टाइम हाई के बाद सर्राफा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एक रात में सोना सस्ता हो गया है और चांदी के रेट भी गिर गए हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा ये किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने वाला है। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना? सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर है। चीन की ओर से बुरी खबर का असर अब सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने वाले हो तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों सोना सस्ता हो रहा है और आने वाले साल यानी कि साल 2024 तक सोने का भाव क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरते जा रही है। भारत ने चीन के कई उत्पादन पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि चीन के लिए भारत सबसे बड़ा ग्राहक है और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो चीन ने सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर दे दी है। चीन ने कुछ महीनों पहले ही सोने और चांदी में रिजर्व तेजी से बढ़ा दिया है। ऐसे में सोने और चांदी पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वही अगर सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव में काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है। सोने का भाव 2500 रुपए तक सस्ता हो चुका है और उच्चतम स्तर से सोने के भाव में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में सोने में और गिरावट आ सकती है। इसी के साथ में अमेरिका की केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को लेकर भी बड़ी जानकारी दे दी है। अमेरिका के बैंक का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक ब्याज दरों में और तेजी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ सकती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। जब भी ब्याज दर तेजी से बढ़ती है यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा बैंकों में रखेंगे तो फिर सोने में निवेश कम होगा और इसका सीधा असर सोने में निवेश पर होगा। कम से कम लोग सोने में निवेश करेंगे यानी कि सोने में निवेश कम हो जाएगा, इससे सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है और ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। यानी कि आने वाले कुछ महीनों तक सोने के भाव में और भी गिरावट आ सकती है। वही अगर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका मानना है कि सोने में तेजी का कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि आने वाले साल यानी कि साल 2024 से पहले सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं देखी जा सकती है। अगर सोने की कीमतों में तेजी आती है तो भी सोने का भाव 65,000 तक जा सकता है, यानी कि लगभग 4,000 से 5,000 रुपए की तेजी आ सकती है और इससे ज्यादा की तेजी न के बराबर देखने को मिल सकती है। वही कारोबारियों का मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट की आशंका है। आने वाले कुछ महीनों में सोने के भाव में गिरावट आ सकती है, सोने का भाव सस्ता हो सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोना सस्ता होना चाहिए, सोने के भाव में गिरावट आनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।